हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर फिट, फाइन एंड हेल्दी। आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, साथ ही साथ नॉलेजेबल भी। आज की वीडियो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप घर पर बैठ के कैसे आराम से अपनी चेस्ट को मेंटेन करके रख सकते हो। इसके लिए आप डंबल भी यूज़ कर सकते हो, जिसके पास डंबल्स नहीं है वो ब्रेक या वाटर बॉटल भी यूज़ कर सकता है। और ऐसे ही मैं सारे बॉडी पार्ट्स कवर करूँगा अपनी आगे आने वाली वीडियो पर। तो इस वर्कआउट्स को आप जो मैं आपको बताऊंगा, इन्हें खास कर ध्यान से देखिएगा वीडियो को एंड तक, ताकि आपको आगे जाके कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और जिन्होंने तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको फिटनेस वीडियोस मिलती रहेगी आगे जाके। तो लेट्स स्टार्टेड। चलिए वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। और वर्कआउट स्टार्ट करेंगे, पहले हम पुशअप्स मारेंगे। पुशअप मैं तीन तरीके आपको बताऊंगा। एक होगा हमारा नॉर्मल पुशअप, एक होगा हमारा डायमंड पुशअप, और एक हमारा होगा वाइड ग्रिप पुशअप। तो पहले नॉर्मल पुशअप से स्टार्ट करते हैं। रेपिटेशन हम वही रखेंगे, 15-20 रेप्स, 3-3 सेट्स। अब करेंगे डायमंड पुशअप। नीचे स्लो जाना है आपको नेगेटिव फेस में। अब करेंगे वाइड ग्रिप पुशअप्स। इसके लिए आपको आपने ऐसे नहीं, ऐसे रखना है। देखिए, ध्यान से देखिएगा। चलिए चलते अपने अगले वर्कआउट की तरफ। इसके लिए आपको उसको 90 डिग्री एंगल प्लेस करना है और ऊपर लाना है बिल्कुल चेस्ट को स्क्वीज करते हुए। नीचे स्लोली जाना है और ऊपर लाके बिल्कुल स्क्वीज, दोनों चेस्ट को आपस में कंट्रैक्ट करना है। इसके आप 15 से 20 रैप ले सकते हो, 3-4 सेट रहेंगे इसके। नीचे बिल्कुल स्लो जाना है और ऊपर लाते पूरा स्क्वीज, आपको अच्छा खासा फॉर्म फील होगा। ये अगला वर्कआउट करेंगे हम अपनी अपर चेस्ट के लिए। इसके लिए आप कोई भी एक अच्छे से हाइट की चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हो, सोफा या टेबल कुछ भी चलेगा। और हमें इसको ऑल्टरनेट करना है, 1, 2, 3, 4, 15 से 20 तक इसके भी रहेंगे, 3-4 सेट। और सेम इसको नीचे स्लो ले जाना है। अगला वर्कआउट हमारी फुल चेस्ट पार्ट के लिए होगा। इसके लिए आपको कोई भी एक सरफेस चाहिए जो अच्छी खासी हाइट पर, जैसे मैंने सोफा लिया है, आप टेबल भी ले सकते हो जो ऑप्शन अवेलेबल हो आपके पास। इसके लिए आपको अपना पैर ऊपर लगाना है अच्छे से, और अच्छी खासी हाइट आपको एक लेनी है, लाइक मैंने जैसे लिए, और मैं हिप्स को ऊपर कर लेना है। और डंबल ऊपर करते हुए आपको ट्विस्ट करते हुए नीचे लाना है, देन अगेन ट्विस्ट करते हुए ऊपर लाना है, जैसा कि मैं कर रहा हूँ आप देख सकते हो। इसके 15 से 20 रेप रहेंगे विथ 3-4 सेट्स। स्लोली नीचे ले जाना आपको, इससे काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट दिखने को मिलेगा आपको। अगला वर्कआउट होगा हमारा इनर चेस्ट के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको दोनों डंबल ऊपर ले जाने हैं, चेस्ट के बिल्कुल पास रखने हैं, हाथ को बिल्कुल पास ले जाओगे अपने आप, बिल्कुल शोल्डर के, अपनी बॉडी से बिल्कुल पास ले जाते हुए, आप इसको पास से देख सकते हो। नीचे धीरे लाना है, इससे हमारा इनर पार्ट चेस्ट का काफ़ी अच्छा वर्क करता है इस वर्कआउट में।
15 से 20 सेट इसके भी रहेंगे और 3 से 4 सेट। अगला वर्कआउट हमारा इनर पार्ट के लिए है और साथ ही साथ इसमें हमारा अपर काफ़ी अच्छा वर्क करता है इस वर्कआउट के अंदर। तो इसके लिए आप एक प्लेट ले सकते हो, डंबल भी चलेगा अगर आपके पास डंबल है, मैं डंबल से भी कर सकता हूँ, पर प्लेट से काफ़ी अच्छा इससे फोकस मिलता है मसल पे। तो चलिए वर्कआउट स्टार्ट, हाथ आगे कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल स्लोली अंदर लाना है, ठीक है, और आगे स्लोली डाउन अप। ये सेम रेपिटेशन आपको फॉलो करना है 15 to 20 रेप्स with 3 to 4 sides. काफ़ी अच्छा स्क्वीज और पम्प देखने को मिलेगा इस वर्कआउट में। स्लोली डाउन, ब्रीद इन ब्रीद आउट, इसका भी काफ़ी अच्छा ध्यान रखिएगा वर्कआउट में। हमारा अगला वर्कआउट होगा लोअर चेस्ट पार्ट के लिए। इसके लिए आपको अपने हिप्स लोअर बैक को अप कर लेना है, उसके बाद सेम आपको प्रेस करना है, नीचे स्लो ले जाते हुए ऊपर पूरा स्क्वीज करते हुए लाना है। याद रखिए ये लोअर के पार्ट के लिए है आपका चेस्ट के लिए, तो अपने हिप्स और लोअर बैक को ऊपर रखिएगा हर रैप में। इसके 15 से 20 रैप रहेंगे, 3 से 4 सेट। अगला हम करेंगे पाइक पुशअप्स। ये हमारे लो पार्ट प्लस आपका मिडल बॉडी का पार्ट काफ़ी अच्छा पम्प देता है ये वर्कआउट। तो इसके लिए अपने हिप्स ऊपर रखिएगा हल्के से बिल्कुल, ठीक है, नॉर्मल पोजीशन लेनी है पुशअप की, हल्का सा बस इन्वर्ट रखना है, अंदर की तरफ इन्वर्ट करना है, हिप्स को हल्का सा ऊपर, ठीक है, स्टार्ट। 15 से 20 सेट रहेंगे विद 3 to 4 सेट्स। अगली वर्कआउट होगी हमारी चेस्ट की मसल फाइबर के लिए, तो इसके लिए आपको एक डंबल की ज़रूरत पड़ेगी एक, ठीक है, तो ये नॉ एक लाइक की पुशअप ही है वर्कआउट, एक 1, ऐसे ही आपको आप दूसरे के हाथ के साथ करना है। 15 से 20 रेप रहेंगे इसके, 3 से 4 सेट आज के आप ले सकते हो। अगला पार्ट हमारा वर्कआउट का होगा इनर चेस्ट पार्ट के लिए और साथ ही साथ चेस्ट की ब्रॉडनेस को कैसे बढ़ाना है वो वर्कआउट इसके लिए। सिंपल आपको लेट जाना है फ्लोर पे, पूरा हाथों पर ऊपर कर लीजिए और फ्लाई करना है आपको, नीचे नेगेटिव फेस पे स्लो ले जाना है और ऊपर लाते हुए चेस्ट मसल को पूरा स्क्वीज करते हुए ऊपर लाना है। 15 to 20 रेप्स के रहेंगे, 3 to 4 सेट्स। नीचे स्लो ले जाना है, देन स्क्वीज अप, इससे काफ़ी अच्छा पम्प फील होगा आपकी चेस्ट में। अब अपने आखिरी वर्कआउट की तरफ चलते हैं। ये वर्कआउट चेस्ट को काफ़ी अच्छा पम्प देने वाला है, ये वर्कआउट काफ़ी आपका अच्छा इम्पैक्ट करेगा आपके लोअर पार्ट में प्लस आपके ओवरऑल चेस्ट पार्ट्स में। चलिए इसके लिए आपको एक राउंड शेप लेनी है, हल्के से लेग्स आगे कर लीजिए, बिल्कुल आगे ले आते हुए चेस्ट की मसल स्क्वीज होगी नीचे लाते हुए, प्लस आपको धीरे से ऊपर जाना है, सेम रेपिटेशन फॉलो करनी है। फिफ्टीन टू ट्वेंटी रेपिटेशन विद 3 to 4 सेट्स। काफ़ी अच्छा मसल स्क्वीज हो रहा है इसमें। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। जो भी मैंने आपको वर्कआउट्स बताए हैं चेस्ट के लिए, आप इसको रेगुलरली कर सकते हो, आपको 1-2 मंथ्स में इसको काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, बस को हाँ रेगुलरली जरूर करना और प्लस अपनी डाइट का ज़रूर ध्यान रखना। जैसा कि गर्मी बहुत है, मैंने इसके लिए एक वीडियो भी जरूर डाली है कि अपने बॉडी को आप कैसे हाइड्रेटेड रख सकते हो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो
वीडियो यहीं खत्म करते हैं, और वीडियो पसंद आई तो हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब, और आगे जाके ऐसे ही वीडियोस में आपके लिए लाता रहूँगा। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।